और ये देखिए इतनी बड़ी होती है, यहाँ पे करना होता है। मेरी अपॉइंटमेंट जो थी वो थी 1:12 पे थी, यहाँ के मुझे पता चला है कि मुझे तो काफ़ी देर हो गई, मैं तो 1:50 पे आया हूँ। ये नहीं लगेगा कि भाई रात को बरसात होती रही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम करता हूँ मैं आपको एक और नए व्लॉग में। सुबह के 8 बज रहे, नाश्ता तो मैंने कर लिया है, तो अभी जो ना दवाई वगैरह खाएंगे, इसमें मैं अपनी दवाई डाल के रखता हूँ। दवाई में मैं लेता हूँ 2 पैरासीटामोल, 2 कोडीन और 1 फोलिक एसिड। तो दवाई लेते हैं और दिन का आगाज़ करते हैं। तो जनाब मैं आया था यहाँ पे वॉक करने, ये वॉक करने की बहुत अच्छी जगह है, मेरे घर के पास ही है। आज मौसम जो है ना वो बादल है हर तरफ और हवा जो है वो बंद हो गई। सुबह तो हवा थी, बल्कि मैं ये कहूँ कि रात जो ना पूरी रात बरसात होती रही है, पूरी रात बरसात हुई है और सुबह ये नज़ारा है। आज मुझे मेडिकल सेंटर जाना था, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी वॉक करके फिर काम थोड़ा बहुत घर पे होगा वो निपटा के मेडिकल सेंटर जाऊं। तो दोस्तों सुबह मैंने नाश्ता किया था, तो नाश्ते के जो ना वो पड़े हुए मेरे पास ये बर्तन, तो सोचे कि बर्तन वॉश कर लेते, जैसे कि इंसान को कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए। तो दोस्तों वो सामने ये घर जा रहा है ना, यहाँ पे मेरा घर है और इस बिल्डिंग के पीछे, और ये सामने जो आप देख रहे हैं सामने ये दरख्त नज़र आ रही है, यहाँ पे हमारा मेडिकल सेंटर है। तो मुझे आज जो ना इंजेक्शन लगवानी है, तो मुझे थोड़ी सी देर भी हो गई, 1:50 पर मेरी अपॉइंटमेंट थी, तो चलें चलते हैं। ये सामने यहाँ पे मेरा घर है, तो यहाँ से मुझे ये सामने और यहाँ पे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल नहीं मेडिकल सेंटर कहूँगा, ये दरख्त जहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो मुझे निकलना है जल्दी, तो चलें चलते हैं और इंजेक्शन मैं आपको दिखा दूँगा आगे चल के। तो दोस्तों ये मेडिकल सेंटर है, यहाँ से मैं आया हूँ इस रास्ते से, सो ये मेडिकल सेंटर है। खैर पहुँच गया हूँ। मेरी अपॉइंटमेंट जो थी वो थी 1:12 पे थी, यहाँ के मुझे पता चला है कि मुझे तो काफ़ी देर हो गई, मैं तो 1:50 पे आया हूँ, मुझे 12:50 पे आया, मुझे लगा कि 12:15 पे थी। चलें देखते हैं, इनको बताया मैंने। Do you want it in the right arm, yeah? Yes, but in the right arm. Okay, not that far. So what's your date of birth, Sam? 17 January 19... It's a picture of 1980. Abu the plaster there. You okay with the plasters? Yeah, definitely. Take that off when you get home. Yeah, okay. Thank you. Thank you very much. And love all that. Love you. Peace.
अभी तो how many these are again? This is 5 of them. Normally you're supposed to have a 6. Okay? 6 leg. Okay. Yeah? Did the doctor tell you to do it every how many days? Let me have a look. Okay. Oh, wow. I think not all of them. At least the next 4. Next 4 with you. Next 4 with me. I think you're supposed to have one more. So 6 of them. You're supposed to have 6 of them. But remind me when you finish it. Definitely. Yeah? Thank you. Thank you. Bye. तो मेरी हो गई है इंजेक्शन, चलते हैं वापस और अपडेट करें। अपॉइंटमेंट कैन आई गेट द पेपर शेड्यूल पेपर फॉर अपकमिंग अपॉइंटमेंट। तो जनाब ये मेरा मेडिकल सेंटर है, हमारे घर के पास ही है। मैं आया था यहाँ पे और बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, करवा लिए मैंने। तो अब मैं निकल रहा हूँ भाई वापस घर के लिए। तो दोस्तों मेरा इंजेक्शन जो मुझे लगनी थी वो लग गई है, तो चलते हैं घर और बाकी रास्ते में कोई चीज़ होगी तो मैं आपको दिखाता चलूँगा। तो दोस्तों ये हमारे पड़ोस का एक छोटा सा स्टोरेज जिस पे ये चीज़ें सब कुछ मिलती हैं, ये वाला टेस्को। तो यहाँ से मुझे लेनी है पिटा ब्रेड वगैरह और लेते हैं और इनसाइड आपको दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों ये है पिटा ब्रेड जो मैं लेने आया हूँ और ये 6 ब्रेड होती हैं और ये देखें इतनी बड़ी होती है। टोस्टर में डालें, गरम करें और खाएं। तो ये मैंने कुछ ले लिए, कुछ मैंने आलू लिए। तो यहाँ पे करना होता है, पे करते हैं और चलते हैं। चाहे तो आप सेल्फ करें, चाहे तो आप लाइन में लग जाएं, तो मैं लाइन में लगा हूँ। ये हमारे पड़ोस का स्टोर है। दोस्तों मैं जा ही रहा था मेरे घर के रास्ते में, ये देखें कितने खूबसूरत ये प्लांट हैं, मुझे बड़े प्यारे लगते हैं ये। इसके लीफ जो हैं, पत्ते, ये देखें कितने खूबसूरत, ऐसे लगते हैं जैसे इनके ऊपर ना पेंटिंग की हुई है। ये देखें मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। तो यहाँ से ये मैं रोज़ाना गुजरता हूँ, तो ये ऊपर क्लॉक भी लगा हुआ है जो चलता है, काम करता है। अभी बज रहे हैं 2:45 हो रहे हैं। तो ये घर, मेरे घर का रास्ता है, तो यहाँ से मैं जाता हूँ तो बड़े ये खूबसूरत से प्लांट मुझे नज़र आते हैं, ये पत्ते। तो मैंने कहा चला इनकी नाम मैं वीडियो बना लेता हूँ। तो जनाब कैसी लगी आपको ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।